क्वेश्चन नंबर 31 में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा गया रियल गैस के लिए. फॉर रियल गैस वंडरवॉल्स इक्वेशन होती है पी प्लस ए वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी फॉर वन मोल रियल गैस की. ये वंडरवॉल इक्वेशन है. ब्रैकेट ओपन किया पी वी ए बाई वी माइनस पी वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी. अब इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. पी वी इक्वल्स टू आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर. एट हाई प्रेशर इन दो वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे. देन पी वी इक्वल्स टू आर टी प्लस पी वी. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है पी वी अपॉन आर टी. इस इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर देंगे. पी वी अपॉन आर टी इक्वल्स टू वन प्लस पी वी अपॉन आर टी. एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पी वी अपॉन आर टी जेड इक्वल्स टू वन प्लस पी वी अपॉन आर टी. ये आंसर सेकेंड ऑप्शन में दिया. सेकेंड ऑप्शन सही है. 32 में कैलकुलेट द डेंसिटी. इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं. डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इनटू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन ए क्यूब इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मास. ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच मोल कॉन्सेप्ट और सॉलिड स्टेट को मर्ज करके बना सकते हैं. डेंसिटी क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है. एफसीसी होने की वजह से जेड की वैल्यू 4 होगी. तो इसमें यदि सब्स्टिट्यूट करें तो डेंसिटी इक्वल्स टू जेड 4, मास ऑफ एलिमेंट इज गिवन 100 ग्राम अपॉन ए. ए पिकोमीटर में गिवन है इसलिए इसको सॉल्व करने से पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी यूनिट आएगी डेंसिटी की वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी. इसलिए पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा. क्यूब इनटू नंबर ऑफ एटम्स 12 इनटू 10 टू पावर 23. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अप्रोक्सीमेटली 41.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इट इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन. तो आंसर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है.
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ग्रेफाइट 1 मोल चेंज हो रहा है वन मोल डायमंड। यदि हम लोग यहां पे वॉल्यूम निकाल लें डायमंड का, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, 12 अपॉन क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है 3, और ये यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से ग्रेफाइट के लिए निकालें तो एटॉमिक वेट 12 अपॉन इसकी डेंसिटी क्वेश्चन में दी है 2। अब क्वेश्चन में हम लोगों से डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच की वैल्यू पूछी गई है, और हमारे पास रिलेशनशिप है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्वेश्चन में प्रेशर 5 × 10⁵ बार गिवन है, जिसको फर्दर 10⁵ से मल्टीप्लाई करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो 12/3 − 12/2। अब ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, और हमको एमकेएस सिस्टम में भी चेंज करना है, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू 5 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो −100 kJ/mol आ जाएगा, बिकॉज 1 Nm 1 J के इक्वल होता है, और हमसे पूछा गया है डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच इक्वल्स टू 100 kJ/mol, और ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर 1 सही होगा। रिडॉक्स चैप्टर से है, आर्सेनिक सल्फाइड एसिडिक मीडियम में चेंज हो रहा है SO4−3 + SO4−2। यहाँ पर हम देखें तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम +3, सल्फाइड −2, यहाँ पर आर्सेनिक पर एटम आएगा +5 और सल्फर +6। इसके अंदर देखने पे पता चलता है कि सल्फाइड −2 से +6 जा रहा, आर्सेनिक +3 से +5 जा रहा, दोनों ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस सिचुएशन में हम दोनों एलिमेंट के लिए एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फॉर आर्सेनिक यदि हम पहले एन फैक्टर की बात करें तो +3 से +5 जाएगा, नो डाउट, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, बट यहाँ एटम्स हैं इसके दो, 2 × 2 = 4 हो गया। सल्फर −2 से +6 जा रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका भी, इसके लिए भी एन फैक्टर डिफाइन करेंगे, −2 से +6 चेंज आया 8 इलेक्ट्रॉन्स का, एलिमेंट है 3 है सल्फर के, तो ये हो गया 24। इफेक्टिव
एन फैक्टर की यदि बात की जाए, 4 कंट्रीब्यूट करेगा आर्सेनिक, 24 कंट्रीब्यूट करेगा सल्फर, तो एन फैक्टर 28। क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्वेश्चन में मॉलिकुलर वेट एम दिया है, एन फैक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट किया एम अपॉन 28। ये आंसर है और ये ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, इसलिए सही ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 35 मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से है। इस क्वेश्चन में शुरुआत में हमको हाइड्रेटेड स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, इसको ओवन में ड्राई किया गया, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये हाइड्रेटेड है, ये एनहाइड्रस है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये 3.13 ग्राम बनता है, इनिशियल मास है 6.85 ग्राम, तो ऑब्वियस ही बात है जब इसको ड्राई किया गया तो यहाँ और यहाँ डिफरेंस है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो ऑब्वियस ही बात है टोटल मास था 6.85 और इतना रिमेनिंग बचा, तो इसके अंदर जो वाटर रहा होगा यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें हीट करने से पहले, ओवन में ड्राई करने से पहले टोटल मास इतना था, ड्राई करने के बाद एनहाइड्रस जो सॉल्ट बना इतना मास था, ऑब्वियस ही बात है इस हाइड्रेटेड में इतना वाटर रहा होगा। नाउ वी फाइंड मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, 3.13 मास अपॉन मॉलिकुलर वेट 121.6.0257 मोल्स ऑफ वाटर 3.72/18 ये मोल्स है। अभी इसके अंदर हम लोग देखें हाइड्रेटेड स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो इसमें स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का रेशियो 1:x है, 1:x, तो हम यहां पे भी रेशियो निकाल सकते हैं, मोलर रेशियो स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का, वो यदि हम लोग करें तो 0.0257:0.0026। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड जो हमारा गिवन था ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है, यदि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी और ये हमको सेकंड ऑप्शन में गिवन है, इसलिए आंसर 2 होगा।